हेलो स्टैंडर्ड थर्ड, वेलकम इन ईवीएस लेक्चर। दिस इज अवर 22nd लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड अवर चैप्टर नंबर 7। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट्स लास्ट पेज एंड देन वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8। लुक एट दिस, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड अप टू दिस मुद्रास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। Look at these pictures and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. There are 4 pictures given over here and we have to make one story. The number 1, there is a picture of a tree branch and one squirrel is dancing over there. Now in second picture, she is preparing some food. In third picture, she is making a lead over there and again dancing. And in the last 4th picture, a crow, a mena and some mice are coming to eat the food. Okay, now this is the point from which you have to make a story. So I think we should start in this way. लॉन्ग अगो मोस्ट ऑफ स्टोरीज आर स्टार्ट इन दिस वे ना। मोस्ट ऑफ स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है? बहुत साल पहले की बात है। तो इसमें भी हम वैसे शुरू करेंगे कि बहुत साल पहले, लॉन्ग अगो, देर वॉज अ स्क्विरल लिव्ड ऑन अ ट्री टॉप। बहुत साल पहले एक ट्री की टॉप पर एक स्क्विरल रहती थी। वो बहुत ही खुश मिजाज थी। वो सी वॉज वेरी joyful and see each and every time dancing and singing. वो हर वक्त डांस एंड सिंग करती थी। फिर एक दिन उसको क्या हुआ कि उसको सूझा कि चलो ना एक पार्टी करते हैं। वन डे सी थॉट टू अरेंज अ पार्टी। सो सी कुक्ड अ डिलीशियस फूड एंड अगेन सी एंजॉय दिस मोमेंट एंड सी इन्वाइटेड हर फ्रेंड अ क्रो, अ मैना एंड माइस। तो उसने पार्टी का सोचा, अच्छा सा कुछ फूड बनाया और अपने दोस्तों को इनवाइट किया एंड लास्ट ऑल दे एंजॉय द फूड वेरी जॉयफुली और उन सब ने बड़े प्यार से, आनंद से ये खाना खाया। ये आपकी स्टोरी है। तो इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगी। यहाँ पर हमारी ये स्टोरी ख़त्म हो रही है। नाउ चैप्टर नंबर 8, Flying High। As the name suggests, we are going to learn about the birds in this chapter. Number 1. On my head I have a crest. All say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain I cry aloud. मतलब कि ये अपने बारे में बर्ड बता रहा है कि मेरे सर पर कलगी है। क्रेस्ट मतलब मुकुट, जो इसके सर पर हम कलगी देखते हैं वो है। सब ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ। ऑफ माय फेदर्स आई एम प्राउड, और मेरे फेदर्स के लिए मुझे बहुत गर्व है, अभिमान है। और जब बारिश से पहले मैं रोता हूँ, मतलब जब बारिश आने वाली होती है तब वो ऐसे बोलता है ना, मैं आओ मैं आओ, तो उसको ये ऐसा बोल रहे हैं कि आई क्राई। तो ये पीकॉक है। नाउ लॉन्ग एंड ग्रूड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, द ईगल इज वॉट यू कॉल मी। मैंने यहाँ ईगल लिख दिया है क्योंकि हमको पता है कि जो लॉन्ग एंड ग्रू मतलब लंबी, और लॉन्ग एंड ग्रूड इज माई टेल, हाई अप इन द स्काई आई सेल, मतलब मेरी जो पूंछ है और वो लंबी, और ग्रूड मतलब जिसको बोलते हैं ना अंडे जैसी, अंडाकार या भरावदार ऐसी है, और हाई अप इन द स्काई आई सेल मतलब ऊंचाई पर आसमान में मैं सेल करता हूँ, उड़ता हूँ। आई पिक एंड ईट ऑल द माइस, मैं क्या खाता हूँ तो के सारे चूहों को खाता हूँ। द डेज इज वॉट यू कॉल मी, तो ये मेरा नाम है तो वो ईगल है। नाउ माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक्स बीक इज रेड, गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड।
ये क्या बोल रहा है कि भाई मेरे जो फेदर्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, मेरी चांच है वो रेड कलर की है, ग्वावा एंड ग्रीन चिली, ग्वावा मतलब जामफल और हरी मिर्च में मुझे लोग खिलाते हैं। आई लव टू इमिटेट पीपल्स वॉइस एंड कीप मेकिंग अ लॉट नॉइस। आई लव टू इमिटेट मतलब लोगों के आवाज़ की नकल करना मुझे अच्छा लगता है और मैं हमेशा आवाज करता हूँ, तो वो है पैरट। नाउ ओवर हियर, ब्लैक आर माई फेदर्स एंड ब्लैक इज माई बीक। काउ काउ आई डू ऑल डे लॉन्ग मतलब मेरे फेदर्स भी ब्लैक है और ब्लैक मेरा क्या है तो कि बीक हो सकती है और मैं पूरे दिन काव काव करता हूँ, तो क्रो इज माई नेम। राइट, नाउ कुहू कुहू इज माई साउंड एवरीवेयर आई एम फाउंड। मेरा आवाज़ कैसी है तो कि कुहू कुहू, और मैं हर जगह पाया जाता हूँ। माई स्वीट वॉइस गिव मी फेम, मेरी जो मीठी सुरीली आवाज़ है उसने मुझे फेम मतलब प्रख्याति दी है, दुनिया में सब मुझे जानते हैं। डेस इज माई नेम तो कुकू कोयल। डेड एनिमल्स आई डू ईट मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट। ये क्या बोल रहा है कि मैं मरे हुए जानवरों को खाता हूँ और हर जगह को नीट एंड क्लीन बनाता हूँ। हाई अप इन द स्काई आई फ्लाई, आसमान में ऊपर मैं उठता हूँ। वल्चर इज वॉट आई एम कॉल्ड बाय, मुझे लोग वल्चर बोलते हैं, वल्चर मतलब ये गिद्ध। नाउ माई बीक इज पिंक फेदर्स ग्रे, मेरी चांच है वो पिंक कलर की है और मेरे फेदर्स हैं वो ग्रे कलर के हैं। गुटुर गु आई गो ऑन ऑल डे, मैं पूरे दिन गुटुर गु बोलता हूँ। इन हाउसेस आई मेक माई होम, घर में मैं मेरा घोंसला बनाता हूँ। डेस हाउ आई एम नोन, मैं कौन से नाम से जाना जाता हूँ तो ये पीजन है। नाउ नेक्स्ट, माई बीक इज वेरी स्पेशल, आई यूज इट लाइक अ नीडल। स्टिचिंग लीव्स आई मेक माई होम, ये बर्ड क्या बोल रहा है कि मेरी जो चांच है वो बहुत ही स्पेशल है और मैं उसको निडल मतलब सुई की तरह इस्तेमाल करता हूँ, जब हम कपड़े सीने के लिए सुई का यूज़ करते हैं ना ऐसे, और उससे वो क्या करता है तो कि पत्तों को सी कर मैं अपना घर बनाता हूँ। तो द डेज बर्ड इज हाउ आई एम नोन, तो मैं इस बर्ड के नाम से जाना जाता हूँ, तो इसको हम टेलर बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलर बर्ड। नाउ इन ट्रंक ऑफ ट्री होल्स आई मेक, मैं पेड़ के जो थड़ होता है ट्रंक होता है उसमें होल बनाता हूँ। हिडन इंसेक्ट आई इनटेक, अंदर जो छुपे हुए कीड़े मकोड़े होते हैं उसको मैं बाहर निकालता हूँ। टुक 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 आई वर्क ऑल डे, मैं पूरा दिन टुक 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 करके काम करता रहता हूँ। द वुड पेकर इज वॉट पीपल से, मुझे लोग वुड पेकर बोलते हैं। वाई इज देयर सो मच नॉइज इन द जंगल, आई जस्ट कैन नॉट स्लीप। ये आउल क्या बोल रहा है कि भाई जंगल में इतना आवाज क्यों हो रहा है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो ये दूसरा बर्ड बोल रहा है, डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग, सारे बर्ड हैं वो अपने आप को प्रेज कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। द आउल सेड स्टॉप दिस हल्ला बालू, मतलब ये आउल क्या बोल रहा है कि भाई ये सब शोरगुल बंद करो। वाई आर यू क्वारलिंग, तुम सब झगड़ क्यों रहे हो। वी आर ऑल स्पेशल इन अवर ऑन वेज, हम सब अपने अपने तरीके से स्पेशल ही हैं। अवर क्लोज बीक्स फेदर्स एंड साउंड्स आर डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स, हमारे क्लोज मतलब हमारे पंजे, हमारी बीक मतलब हमारी चोंच, फेदर्स मतलब हमारे पीछे, और हमारा साउंड हमारी आवाज़ सब अलग है लेकिन फिर भी हम सब है तो बर्ड ही। We all looked alike, ate the same food and made the same sound. Think how dull the world would be.
आउल क्या बोल रहा है कि अगर हम सब एक ही जैसे दिखते, सब एक ही तरह का खाना खाते और एक ही आवाज जैसी आवाज निकालते तो ये दुनिया कितनी बोरिंग हो जाती। Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their name. इस लेसन में जितने भी बर्ड हैं उनमें से आपने किन किन को देखा है उनके नाम। तो सबसे पहले पीकॉक है, उनको हमने देखा होता है, ईगल को भी, क्रो को भी, पैरट को भी, कुकू भी, वल्चर, पिजन, ये टेलर बर्ड और वुडपेकर। वुडपेकर को शायद हम रेयरली ही देख पाते हैं कहीं कहीं पर भी, ओके। बाकी तो सब दिख जाते हैं हमारे घर के आजू बाजू में भी। आउल को भी देखा है, अभी ये कौन सा बर्ड है वो मुझे नहीं पता है, ओके। नाउ नेक्स्ट, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर बर्ड्स ऑन ट्रीज, इन वॉटर, ऑन ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेस, हाउ मैनी बर्ड्स कुड यू सी। तो आपको बाहर जाके हर जगह देखना है, पेड़ों पर, पानी में, ग्राउंड पर, बुशेस मतलब झाड़ियों में, और आपको कितने बर्ड दिखते हैं उसको बताना है। तो इट्स योर वर्क, अगर आपको नहीं पता है तो मैं इसके नाम आपको दे दूंगी कि भाई पेड़ों पर तो बहुत सारे होते हैं वो सब हमको पता है, पानी में तो पानी में डक है, फिर और एक छोटा वो लार्क जैसा आता है जो कि पत्तों पर चलता है, वो ऐसे कुछ बर्ड होते हैं, उनके नाम मैं बता दूंगी आपको। बुशेस मतलब झाड़ियों में तो बटेरन, ये सब बर्ड्स होते हैं, छोटी मुनिया होती है, तो इन सब के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। इन द टेबल राइट द नेम ऑफ बर्ड्स एंड राइट द प्लेसेस वेयर यू सो देम। इफ यू डू नॉट नो द नेम ऑफ एनी बर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट। यहाँ पर देखो, यहाँ एक आपको टेबल दिया है, यहाँ बर्ड के नाम लिखने हैं और यहाँ वो पानी में दिखते हैं, ट्री पर, ग्राउंड पर, घर में या उड़ते हुए, उन सब के बारे में लिखना है। तो मैंने बताया कि भाई पहले मैं आपको बता दूंगी, सपोज यहाँ डक लिखा है तो डक वॉटर में होता है, बाकी कहीं नहीं दिखता है। फिर मैं स्पैरो लिखूं तो स्पैरो हमारे घर में पाई जाती है, क्रो लिखूं तो वो ट्री पर मिलता है, फिर ईगल या वल्चर लिखूं तो वो उड़ता हुआ ही दिखता है, नीचे रेयरली ही दिखेगा, है ना। तो ऐसे सबके नाम लिख के उसके जहाँ पर मिलते हैं वहाँ टिक करने हैं। नाउ हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ बीक ऑफ बर्ड्स, लुक एट देम केयरफुली, आइडेंटिफाई द बर्ड्स एंड राइट देयर नेम्स। यहाँ कुछ बर्ड के फेस दिए हैं और उसकी स्पेशल बीक बताई है, आपको उस बर्ड का नाम बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बीक है उसको हम कॉर्ड बीक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉर्ड या हुक लाइक बीक, और ये पैरोट है, और ये इसकी है, इसकी थोड़ी लॉन्ग एंड शार्प बीक है, तो ये क्रो है, और इसकी भी थोड़ी कॉर्ड बीक जैसी दिख रही है, और ये है पीकॉक, ओके।